आपकी अदालत का तो आपको पता ही है, रजत शर्मा जी की भी नीत का आपको पता ही है, यानी किस तरीके से मौलाना महमूद मदनी साहब को बुलाया गया और अपने प्रोपेगेंडे के तहत उनसे सवाल पूछे गए, जिसमें पहला जो सवाल है ये है कि आखिर मुस्लिमों में चार चार निकाह क्यों होते हैं। कैसे हो दोस्तों? दोस्तों आपको पता होगा कुछ दिन पहले आपकी अदालत में गेस्ट आए जिनका नाम था मौलाना महमूद मदनी साहब। अब ये इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हैं कि जब आपने अक्सर इस्लाम के बात पर या इस्लाम पर जब डिबेट होती है तो अक्सर इनको डिबेट में बुलाया जाता है। अब दुख क्या होता है दोस्तों, ये होता है कि कई बार ऐसे लोगों को मंच नहीं मिलता जो जस्टिफाई जवाब दे सकते हैं, ये जो तर्क किसे साथ जवाब दे सकते हैं। और आपकी अदालत का तो आपको पता ही है, रजत शर्मा जी की भी नीत का आपको पता ही है, और वही हुआ जिसका सबको मतलब लग रहा था कि यही होगा, यानी किस तरीके से मौलाना महमूद मदनी साहब को बुलाया गया और अपने प्रोपेगेंडे के तहत उनसे सवाल पूछे गए। इसमें कई सारे सवाल थे जिसमें पहला सवाल ये था कि जन्नत में जो हूर मिलेंगी वो केवल मर्दों के लिए मिलेंगी या जो लेडी जाएंगी उनके लिए भी कुछ अलग होगा। दूसरा सवाल ये था ऑडियंस में से पूछा गया कि जो मुसलमान बच्चे पैदा ज्यादा करते हैं इसमें ये अल्लाह का हाथ होता है या इंसान का होता है, यानी अल्लाह कह रहा है या इंसान के हाथ में कंट्रोल होता है। इसके बाद तीसरा सवाल जो था वो शादी को लेकर किया गया, जो रजत शर्मा ने खुद किया कि मुसलमान में चार चार बीवी क्यों होती है और ये इस्लाम इजाजत क्यों देता है। और आपको मैं रियल बताऊं, इस तीनों सवाल का मौलाना महमूद मदनी साहब जो है तर्क के आधार पर लॉजिक के आधार पर जवाब नहीं दे पाए। या तो वो ऑडियंस को नाराज नहीं करना चाहते थे या उनकी आदत है, नो हेट आई रेस्पेक्ट हिम, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, बट मेरा मानना यह है कि जब आप इतने बड़े मंच पर बैठे हुए हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके से पूरे समाज में एक मुस्लिम कम्युनिटी की एक इमेज बनाई गई है, क्योंकि लोग इस्लाम को नहीं पढ़ रहे हैं, दे रीड यू, वो आपको पढ़ते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप लॉजिक के साथ जवाब दे सकते थे। और मुझे फील हुआ यार, हम जैसे लोगों को मौका क्यों नहीं मिलता। तो आज मैं अपने चैनल के माध्यम से उन तीनों सवालों का जवाब दूंगा, जिसमें पहला जो सवाल है ये है कि आखिर मुस्लिमों में चार चार निकाह क्यों होते हैं। और यकीन मानिए जब रजत शर्मा ने पूछा कि भाई, उन्होंने एग्जैक्टली सवाल किया कि जो मुस्लिम है यानी इस्लाम धर्म है वहां पर चार चार शादियों की इजाजत मिल जाती है, तो उस पर मौलाना मदनी साहब जो हंस गए, लेकिन उन्होंने कोई भी लॉजिक वाला जवाब नहीं दिया। ये डेटा के खिलाफ है, आज की तारीख में जो डेटा है, बस उन्होंने इतना कह दिया कि नहीं आप डेटा निकाल लो, डाटा के अकॉर्डिंग जो है डाटा कुछ और कह रहा है, बट दिस इज नॉट ए लॉजिकल आंसर। मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। जब हम ये बात करते हैं ना इस्लाम में कितनी शादी है, तो गैर मुस्लिम तो छोड़ो, जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके भी दिमाग में ये है कि चार निकाह करना जो है जायज है, चार चार निकाह आप कर सकते हो, इसकी इजाजत है। और यकीन मानिए जो मेरी उम्र है 27 साल, आपकी उम्र जो भी होगी, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो बिलीफ यानी रियलिटी क्या होती है, इल्यूजन क्या होती है। पहले आपके दिमाग में ओलेमा द्वारा या मौलाना द्वारा ये डालने की कोशिश की गई कि आप चार शादी कर सकते हो, लेकिन आपको बातों को छुपाया गया, आप सब कुछ तथ्य छुपाए गए। आपको पता रियलिटी क्या है? रियलिटी यह है कि हमारे प्यारे आका, उन्होंने 11 निकाह किए थे। कितने? 11 निकाह। जब वो 25 साल के थे, यानी 25-26 साल उनकी एज थी जब उन्होंने अपना पहला निकाह किया, वो किन से किया? हजरत बीबी खदीजा से। और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यानी अपने जमाने के 25 साल उन्होंने एक लेडी के साथ गुजार दिए, यानी हजरत माँ बीवी खदीजा, उनके साथ गुजार दिए उन्होंने 25 साल। मैं नाम शॉर्ट बोलूंगा तो इसको आप गलत मत समझ ला, क्योंकि मेरी इंटेंशन उनके लिए आपको बताया कि हम सब कितनी इज्जत करते हैं। सोचिए कि उन्होंने दूसरा निकाह नहीं किया कब तक? जब तक हजरत बीवी खदीजा थी, जब वो इस दुनिया में नहीं रही, मतलब जब वो नहीं रही उसके बाद उन्होंने दूसरा निकाह किया, यानी उन्होंने अपनी जिंदगी एक लेडी के लिए जो है गुजार दी। क्या ये आपको पता था? यूथ में इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, इसको छुपाया जा रहा है। और ये क्यों छुपाया जा रहा है, इस पर भी हम आएंगे आगे। तो मैंने ये चीज क्लियर कर दी, मौलाना मदनी साहब ये जवाब दे सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं दिया। इससे क्या मैसेज आता है कि भाई एक पर ही रहो आप, और इसको कुरान कह रहा है कि अगर आप जिम्मेदारी ना निभा सको, अगर आप फैसला ना कर सको, या अगर आप इंसाफ ना कर सको, तो एक पर ही रहो आप। अब सोचिए कि हमारे प्यारे आका ने 11 निकाह किए, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक लेडी के लिए, मतलब जब तक हजरत बीबी खदीजा थी उन्होंने दूसरा निकाह नहीं किया, यानी जब उनकी एज 49-50 साल हो गई और हजरत बीबी खदीजा इस दुनिया से हो गई, उनके बाद उन्होंने दूसरा निकाह किया, तो कितना बड़ा मैसेज था। जो आप सोचो उन्होंने इंसानियत के लिए 10 निकाह और किए, क्या वो उस पीरियड में नहीं कर सकते थे? उनके जीते जी कर सकते थे ना, लेकिन उन्होंने बाद में किए, पहली चीज। दूसरी चीज, जब उन्होंने निकाह किया उस समय उनकी एज कितनी थी? 25-26 साल के आसपास एज थी।
वो हजरत बीबी खदीजा की एज कितनी थी? उनसे ज्यादा थी, और वो ऑलरेडी दो बार शादी कर चुकी थी। यानी हमारे प्यारे आका के जितने भी निकाह हुए हैं उसमें से चार बीबी ऐसी थी जिनकी ऑलरेडी दो बार निकाह उनका हो चुका था, और चार से ज्यादा बीबियां ऐसी थी उनकी जिनका एक एक बार निकाह हो चुका था। केवल 11 निकाह में एक ही निकाह यानी हजरत माँ आयशा ऐसी थी जिनका निकाह नहीं हुआ था, मतलब हमारे प्यारे आका से हुआ। जब उनका दूसरा निकाह हुआ तो हजरत माँ शोदा से हुआ, सऊदा से, तो उनकी एज लगभग बराबर थी, मतलब 49 साल इनकी, 49-50 साल और 49-50 साल उनकी बराबर की एज थी। सोचिए आप, चलो ये तो चलो इस्लाम की बारीकियां हैं, इसको जो दूसरे लोग नहीं मानेंगे, लेकिन वो लॉजिकली इतनी बात तो मान सकते हैं ना कि हमारे प्यारे आका ने हजरत माँ खदीजा उनके रहते रहते दूसरे निकाह नहीं किया, और इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, कोई यूथ को समझाना तैयार ही नहीं है। और भाई प्यारे आका ने या अल्लाह ने कोई हुक्म नहीं दिया चार निकाह का, इजाजत दी गई है। और इजाजत की क्यों दी गई है? ये होती है कल्चर। कल्चर धर्म नहीं होता, धर्म का हिस्सा होता है। जैसे यहाँ पर यूपी में आप इधर देखोगे लड़कियां बुर्का पहनती हैं, लेकिन आप बंगाल जाओगे, बंगाल, वहां पर लड़कियां साड़ी पहनती हैं। दिस इज ए कल्चर, ये कल्चर है। जैसे आप नैनीताल जाओगे तो वहां नाश्ते में आपको क्या मिलता है? मोमोज मिलते हैं। आप यूपी में जाओगे पूरी मिलेगी, छोले मिलेंगे, कुलचे मिलेंगे। दिस इज कल्चर, समझ रहे हैं आप? यानी चार शादियां वो एक कल्चर का हिस्सा था। क्यों था? इस पे भी आएंगे हम लॉजिकली। अभी कौन सी सन चल रही है इस समय? 2024 चल रही है। ज्यादा पीछे था हमारे प्यारे आका का दौर कौन सा था? 570 में आप इस दुनिया में आए, और मतलब आप ये मानो 600 के आसपास का दौर था वो। 30 साल भी एज जोड़ोगे तो 600 के आसपास दौर था। 600 तो बहुत पुराना दौर हो गया। मैं आपको 1100 या 1200 का दौर बताता हूँ। 1200 का दौर वो था जब ओटोमन एम्पायर की शुरुआत हुई थी, उस्मानिया सल्तनत की शुरुआत हुई थी। अगर आपने वो उर्तुगुल गाजी सीरियल देखा होगा, उस्मानिया सल्तनत देखा होगा, तो उसमें क्या देखा होगा? लोग कबीले में रहते थे। कहाँ रहते थे? कबीले में रहते थे। उस कबीले में माले 100 मर्द भी हैं, लेडी भी हैं, ऐसे पूरी फैमिली रहता कहा करती थी। अब उस समय लड़ाई हुआ करती थी, किससे? चंगेज खान से, मंगोल से, इनसे लड़ाई हो रही है, यहूदियों से लड़ाई हो रही है, और दूसरे लोगों से लड़ाई हो रही है। तो हुआ क्या? उसमें मर्द मारे गए। जब कभी लड़ाई होगी, युद्ध होगा, तो उसमें क्या होगा? अमूमन तौर पर ज्यादा कौन मरे जाएंगे? मर्द मारे जाएंगे। पता चला है कि 100 में से मर्द रह गए केवल 22, और औरतें कितनी रह गई? 80 या 85। तो उनको ये प्रिविलेज दी गई, उनको ये छूट दी गई, उनको ये अलाउ किया गया कि आप इनसे निकाह करो। क्यों? इंसानियत के रूप में। अल्लाह इंसान की फितरत को जानता है, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को बनाया है। अब मान लीजिए आप मैरिड हैं और आपके घर में एक लेडी है जो विडो है, या मान लिया कोई लड़की जवान है, वो घर में रहेगी तो क्या होगा? शक पैदा करेगा, पैदा होगा, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, ताने करेंगे। तो उसको जायज किया गया कि भाई आप इंसानियत के नाते इनसे निकाह करो। वो कंडीशन बहुत थी। क्या आज ऐसी कंडीशन है? आज तो कोई युद्ध भी नहीं हो रहा, आज तो कोई लड़ाई भी नहीं हो रही। आज जो शादी कर रहे हैं 99% लोग कर रहे हैं अपने प्रॉफिट के लिए, अपने मजे के लिए। क्या कोई इंसान वीडियो से शादी कर रहा है? नहीं। क्या कोई अपनी एज से ज्यादा वाली लेडी से शादी कर रहा है? नहीं। कोर्ट क्या करते हैं कि यार हमारे प्यारे आका ने की, अरे भाई प्यारे आका की कंडीशन क्या थी? दूसरी चीज आपको बताऊं, ज्यादा दूर मत जाओ, रशिया में चले जाओ। आप सुनते हो रशिया, रशियन, इस तरह की बातें सुनते हो ना? रशिया में 70 लाख से ज्यादा लेडीज हैं जेंट्स के मुकाबले। मान लो अगर वहां की आबादी 10 करोड़ है तो वहां पर लेडीज ज्यादा हैं, महिलाएं ज्यादा हैं। इसलिए क्या होता है कि उन्हें वो दूसरी जगह जाती हैं, शादियां करती हैं, निकाह करती हैं, उनका कन्वर्जन होता है इस तरीके से। सेम गोस टू हरियाणा। हरियाणा आ जाओगे तो यहां पर क्या है कि आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर लड़की पैदा होती है तो उसको अच्छा नहीं समझते। तो उसकी वजह क्या हुई कि लड़कियां कम हो गई, लड़के ज्यादा हो गए, वहां पर शादी नहीं हो रही। तो ये जो निकाह वाला कॉन्सेप्ट था, ये ज्योग्राफिकल था, मतलब एक वातावरण था। उस समय का माहौल क्या था, आज का माहौल क्या है? और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, जहनी तौर पर हर इंसान के साथ नब्ज जुड़ी हुई है। आपको गलत पोर्ट्रेट किया जा रहा है। आपको बार बार ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इस्लाम में चार निकाह हैं। अरे भाई वो कंडीशन थी, उसको अलाउ किया गया है, लेकिन कोई कर नहीं रहा है। अब इसमें राजेश शर्मा ने ये भी कहा कि भाई ये चार निकाह हैं तो उनके मतलब चार अगर निकाह करोगे तो बच्चे कितने पैदा होंगे? इस आदमी के अंदर लॉजिक ही नहीं है। और जो पब्लिक हंस रही है ना, वो तो बिल्कुल बेवकूफ है। भाई आज का जो दौर है ना, सोशल मीडिया का दौर है, गूगल का दौर है। आप ये कहना चाह रहा हूं जिसके चार बीबी होंगी उसके बच्चे ज्यादा होंगे? कोई सेंस है इस बात में? कैसे? एक इंसान है, मतलब मैं हूं, मैंने चार निकाह करे, चार वाइफ है, 1 2 3 4। अब मेरी फैमिली कितनी हो गई? 5। अब जो मेरी वाइफ है, क्या मेरी मौजूदगी में दूसरा निकाह कर सकती है? नहीं कर सकती। मेरी जो सेकंड वाइफ है वो निकाह कर सकती है? नहीं कर सकती। जो थर्ड वाइफ है निकाह कर सकते है? नहीं कर सकती ना। मतलब कॉमन सेंस समझ रहे हो आप? एक इंसान की अगर चार वाइफ, मान लो पहली बात तो है नहीं, जमीन पर है नहीं, तो परिवार तो 5 ही होगा ना। यानी उस लड़की से पूछोगे तेरी फैमिली कौन सी है, वो आप मतलब हस्बैंड को जोड़ेगी, उसे खुद को जोड़ेगी। यानी कुल मिलाकर ये 5 फैमिली बन जाती है 5 लोगों से। वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक हस्बैंड है उसकी वाइफ, एक हस्बैंड है उसकी वाइफ, एक हस्बैंड है उसकी वाइफ है, तो वहां पर 5 फैमिली बन रही है 10 लोगों से। यहां पर 5 फैमिली बन रही है 5 लोगों से।
समझ गए, मतलब मेरे होते हुए मेरी जो वाइफ है वो दूसरा निकाह तो नहीं कर सकती ना, तो फिर बच्चे ज्यादा कैसे हो सकते हैं। अब मान लीजिए मेरे हर वाइफ से दो दो ही बच्चे हैं, तो मेरी पांच फैमिली में बच्चे कितने हुए, दो 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 दो, मतलब आठ बच्चे हुए, पांच फैमिली में आठ बच्चे हुए। सेम गोष्ट इधर, इधर पांच फैमिली है, दस लोग तो वही हो गए, अब उनके दो दो बच्चे मानोगे तो कितने बच्चे हो गए, यहाँ पर बीस लोग हो गए, यहाँ पर सत्रह लोग हैं और इधर कितने लोग हैं, बीस लोग हैं। आप खुद कॉमन सेंस लगा के देखिए, पहली चीज बताई मैंने आपको ये। दूसरा, आप गूगल पर सर्च कर लो भाई, मैंने अपनी जिंदगी में 27 साल की जिंदगी में किसी इंसान को नहीं देखा जिसकी चार वाइफ हो, और इसको बड़े मार्केटिंग की गई, इसको बड़े लेवल पर प्रचार किया गया, और क्या क्यों नहीं जाएगा। जब भाई बड़े बड़े ओलेमा जब मंच पर जाएंगे, जब वो लॉजिक के हिसाब से जवाब ही नहीं देंगे तो भाई क्या बनेगा। इस वीडियो को गैर मुस्लिम भाई भी देख रहे होंगे, सब लोग देख रहे होंगे, आप मुझे जमीन पर एक इंसान दिखा दो जिसकी चार वाइफ मौजूदा हो, आप नहीं दिखा पाओगे। इसलिए कहता हूं कि इंफॉर्मेशन पर मत जाओ, रिसर्च पर जाओ। दूसरा सवाल पूछा गया ऑडियंस में से, आप देख सकते हो वीडियो में, ऑडियंस में एक बंदा खड़ा होता है, वो कहता है ये बताओ आपके यहाँ जो ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं और पूरी लोग हल्ला हल्ला करना शुरू कर देते हैं, तो ये क्या अल्लाह परमिशन देता है या इसकी इजाजत कौन देता है। वेल एजुकेटेड मुस्लिम फैमिलीज में भी बहुत सारे मतलब बच्चे होते हैं, तो ये कौन डिसाइड करता है कि कितने बच्चे होने चाहिए, ऊपर वाला या फिर फैमिली। और इसका मौलाना महमूद मदनी साहब लॉजिक के साथ जवाब ही नहीं दे पाए, तो उन्होंने कहा डाटा चेक कर लो, वो तो है जवाब, ये डेटा के खिलाफ है। आज की तारीख में जो डेटा है, आप गूगल पे सर्च करते हैं, चलो मैं भी करता हूँ, गूगल पे सर्च करो भारत का सबसे बड़ा परिवार, ओ माय गॉड, ये तो मिजोरम का परिवार आया है, और दूसरी बात ये मुस्लिम नहीं है, 167 लोगों का परिवार है मिजोरम में, और ये भारत का नहीं एशिया का सबसे बड़ा परिवार मान लो, और ये मुस्लिम नहीं है। मुस्लिम होना चाहिए था ना, अगर मुस्लिम बच्चे पैदा ज्यादा करते हैं, मीडिया बार बार चीख चीख के कर रही है, तो परिवार किसका बड़ा है। एक काम करते हैं, इंटरनेशनली सर्च करते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा कौन करती है, ओ भाई ये तो रूस की लेडीज निकली, इसके बच्चे देखो, अमूमन तौर पर एक लेडी के 16 बच्चे हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन इसने कितने बच्चे हैं, इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये एग्जैक्टली 27 बार प्रेग्नेंट हुई, 16 जुड़वा बच्चे हुए इनके, 7 बार इनके 3-3 बच्चे हुए, 4 जोड़े 4 बच्चे, कुल मिलाकर 69 बच्चे पैदा करे, और भाई ये इज नॉट अ मुस्लिम, ये मुस्लिम लेडीज नहीं है। उसके बाद एक काम करते हैं, एक टाइम दुनिया का सबसे बड़ा परिवार देखते हैं, भाई यहाँ तो मेरा दोस्त भी जा चुका है, मैं भी जाना चाहता हूँ, ये युगांडा में मेरा दोस्त है कैलाश, इंडो टेगर का नाम से उसका चैनल है, भाई इसके फैमिली में कितने 588 पोते पोतियां, 10 तो खुद वाइफ है इसकी, भाई ये मुस्लिम नहीं है। अब इसके नाम पर मजाना, इसका नाम मूसा है, तो आपको लगे यार मूसा तो मुस्लिम है, ये मूसा नाम वही है जैसे जब लड़ाई चल रही थी ओटमन एम्पायर उस्मानिया सल्तनत से, किसकी लड़ाई चल रही थी, मंगोलों की, और मंगोलों का सरदार कौन था, चंगेज खान, उसने अपना नाम चंगेज खान रख लिया ताकि लोगों को लगे ये मुस्लिम है, चंगेज खान मुस्लिम नहीं था भाई, ये दुनिया को पता है, लेकिन उसने अपना नाम क्या रखा, चंगेज खान। सेम इसी तरीके से इसका नाम मूसा, मूसा से लगा मुस्लिम है। तो दुनिया का सबसे बड़ा परिवार, दुनिया की सबसे ज्यादा बच्चा पैदा करने वाली लेडीज, और भारत का सबसे बड़ा परिवार, दे आर नॉट मुस्लिम, ये मुस्लिम नहीं है, ये है रिसर्च प्रॉब्लम। दोस्तों ये आ रही है मुझे कि जब आपको इतने बड़े मंच पर इन्वाइट किया जाता है मौलाना महमूद मदनी साहब को, पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इन्हें रिप्रेजेंट कौन करता है, भाई कोई हेट नहीं है इनके लिए, लेकिन सवाल ये है कि जब आपको इतना बड़ा मंच मिलता है तो आप ये बातें क्यों नहीं रख सकते कि दिस नॉट ए कल्चर, वो पुराना टाइम था, राजा दस रानियां रखते थे, नो हेट, बस राजा दशरथ साहब उनकी 3 रानियां तो ऑफिशियल थी, मैं नहीं जाना चाहता, मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि मैं तो इस्लाम को डिफेंड करूंगा, इस्लाम की बात करूंगा, मैं गूगल पर उठा के देख लो, पता चला कि उसकी इतनी रानियां, उसकी इतनी रानियां, उसकी इतनी रानियां, जमीन पर नहीं है ये, मतलब इस लेवल का प्रोपेगेंडा चल रहा है। ये दोनों जवाब दे दिए मैंने आपको, बच्चे का जवाब दे दिया कि बच्चे कौन पैदा ज्यादा करता है, लॉजिकली दुनिया का सबसे बड़ा परिवार मुस्लिम नहीं है, दुनिया का सबसे ज्यादा बच्चा पैदा करने वाली लेडी वो मुस्लिम नहीं है, रूस की वो लेडी जो है दूसरी है, दूसरी बात भारत का सबसे बड़ा जो परिवार है जिसके सबसे ज्यादा बच्चे वो मुस्लिम नहीं है। अब तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो है जन्नत के हूर, और भाई इसको बड़े लेवल से प्रमोट किया गया। पहली चीज मैं एक बार बता दूं आपको कि जब आप कभी एग्जाम देते हो तो उसमें दो चीज होती है, फेलियर सक्सेस। आप लाइफ में कोई भी काम कर रहे हैं, आपको कोई भी मकसद है, उसमें दो चीज तो होंगी, फेलियर भी होगा मकसद भी होगा। सवाल यह है कि किस चीज को ज्यादा उठाया जा रहा है प्रोपेगेंडे की खातिर, तो प्रोपेगेंडे की खातिर यही है कि जन्नत में हूर मिलेंगे। भाई दो जगह पिटाई भी तो होगी, बेल्ट भी तो पड़ेंगी, मार भी तो पड़ेगी, इसके बारे में बात क्यों नहीं की जा रही। ओके, क्या सिर्फ एक धर्म से रिलेटेड है, नहीं, किसी भी धर्म में देख लो आप, चाहे इस्लाम हो या कोई से धर्म में, वहां पर सजा और फल दोनों की बात की गई है, दोजक की भी बात की गई है, स्वर्ग की भी बात की गई है, अप्सराओं की भी बात की गई है। अगर एक तरफ हूरों की बात की गई है तो एक तरफ अप्सराओं की भी बात की गई है। इसको मैं गहराई में नहीं जाना चाहता, मैं इतना जाना चाहता हूं कि आजकल ना मुस्लिम लोगों के दिमाग में भी है
कि भाई हमें जन्नत में हुर मिलेंगी, जन्नत में हुर मिलेंगी। जन्नत में जाने का कॉन्सेप्ट इतना आसान है क्या? अरे भाई एक चीज सोच के देखिए, एक इंसान जिसकी 27, 28 साल, 30 साल, 32 साल, 34 साल उम्र हो गई और उसे गाने सुनने का मन करता है लेकिन वो गाना नहीं सुन पाता। भाई रूम में बैठे हुए 3 लोग गाना सुन रहे हैं। उसका एज हो गई, उसका जिना का मन कर रहा है लेकिन वो जिना नहीं कर रहा, लेकिन बाकी जो 3 लोग हैं वो सब कुछ कर रहे हैं, पेट कर रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं भी गा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। इतना आसान होता है क्या? इतना आसान नहीं होता। ये कितना आसान है ना कहना कि जन्नत में ये मिलेगा, अरे भाई उसका प्रोसेस पता है कितना हार्ड है आपको। वही चीज़ है। खैर दोस्तों इतनी गहराई में नहीं जाऊँगा, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको ये तर्क कैसे लगे भाई? ये जो शादी वाला कॉन्सेप्ट है ना भाई, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि भाई वो दौर ऐसा था, वो कल्चर था कि जहां पर 3-3 वाइफ, 4-4 वाइफ पॉलिटिकली और समाज की वजह से करनी पड़ती थी। मैंने कितना बड़ा एग्जांपल दिया हमारे प्यारे आका का, हमारे प्यारे आका कुर्बान जाऊं उन पर, हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने अपनी जिंदगी एक लेडी के साथ, हजरत बीबी खदीजा उनके साथ पूरी जिंदगी गुजार दी, अपने जवानी के 25-24 साल एक के साथ गुजार दिए। और उस पीरियड में जब तक हजरत बीबी खदीजा थी इस दुनिया में, उन्होंने दूसरा निकाह नहीं किया, और दूसरा निकाह भी किया तो एज के बराबर, जो उनकी एज थी हजरत जो बीबी सौदा उनकी भी लगभग 49-50 साल के आसपास एज थी और आपकी भी एज थी। और जितने भी निकाह हुए उनके, उसमें से हजरत माँ आयशा केवल ऐसी थी जिनका निकाह नहीं हुआ था, यानी वो कुंवारी थी। बाकी सारी जितनी भी उनकी बीवियाँ थीं, या तो उनके एक निकाह थे या उनके 2 निकाह थे या फिर वो विडो थी, ये सारी कंडीशन थी उनकी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरा एक अरबाज़ ब्लॉग्स ट्रैवल चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब करें। और आपकी ओपिनियन क्या है इस बारे में, आपको मेरा तर्क कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद, अपना ख्याल रखें। तो दोस्तों इस वीडियो के मुताबिक सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अरबाज भाई का इंटेंशन बहुत अच्छा है वीडियो बनाने के पीछे, लेकिन ये जो डायलॉग वो बोल गए हैं कि उलेमाओं ने छुपाया है, तो ये गलत है। और अक्सर ऐसा नहीं होता, बल्कि मुफ्ती यासिन अदीम अलवादिदी साहब और जितने भी उलमा हैं जो एथियज़म के ख़िलाफ़ और जितने भी इस्लामोफोब्स होते हैं उनके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, तो वो धड़ल्ले से इस बात को कबूल करते हैं, बोलते हैं, बताते हैं, तबलीग करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जो निकाह किया था उसको बाकी रखा उनकी ज़िंदगी तक, यानी कि उन्होंने उनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा निकाह नहीं किया। ये तो सब बताते हैं, इसमें कौन सी ढकी छुपी बात है। ठीक है, अरबाज भाई का इंटेंशन अच्छा है, लेकिन ये जो बात बोली है पता नहीं किस वजह से इन्होंने बोली है। बाकी आप लोगों की राय क्या है इस वीडियो को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।